रोजाना 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर आना जाना, फिर भी सबसे पहले ऑफिस पहुंचते। ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं था, साइकिल पे आने का था, रोड भी नहीं था, रेलवे के पटरी पर आने का जाने का। मैं सुबह इधर फैक्ट्री का टाइम 8 बजे का था, सबसे पहले आने वाला मैं ही रहता। एक दिन वो था जब वो कंपनी में काम करने आए थे, और एक दिन ये भी है जब वो उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्किल और जज्बे का जीता जागता नाम है मिस्टर जडेजा। उस टाइम मैं यहाँ अप्रेंटिस में वो कंपनी में ज्वाइंट हुआ था, और 2-3 साल अप्रेंटिस में काम किया। बाद में ऐसा लगा कि कुछ टेक्निकल स्किल इधर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम मेरा छोटा भाई ITI में पढ़ता था, तो मैंने उसका बुक देखा, तो उसमें मैंने देखा था इसमें तो बहुत सी फॉर्मूला और इंजीनियरिंग टेक्निकल थियोरी में ITI में सिखाते हैं। तो उस टाइम मैंने भी 69 में ITI नाइट क्लास में ज्वाइंट किया था। ITI में सीखे हुनर को उस समय की कंपनी में अपनाया, और केवल 10 साल के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच गए। अपने हुनर पर भरोसा और कुछ बड़ा करने के जज्बे से प्रेरित होकर जडेजा ने एक कंपनी खोली, और महज कुछ सालों में उनके साथ 200 लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ ITI करने के बाद ITI के साथ मैं यहाँ फोरमैन बन गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी उसके बाद तो कोई पोस्ट है नहीं, उसके बाद तो मालिक ही है, तो मैं मालिक बनना मैंने सोचना चालू कर दिया। चलो अब मालिक बने, इतना साल का एक्सपीरियंस है तो अपने ऐसा कुछ करे जो एक्सपीरियंस भी काम आ जाए और मालिक भी हम बन सके, तो हमने एक छोटा फैक्ट्री चालू कर दिया। हौसलों से ही तो उड़ान होती है, कुछ ठान लो तो हुनर से ही तो पहचान होती है। 100% ITI कोई करे तो वो इंजीनियर ही बन जाता है। वैसे ITI वालों को इंजीनियर बोलते नहीं है, लेकिन इंजीनियर से कोई कम नहीं होते। आज सरदार सिंह जडेजा ने जिंदगी में एक मकाम हासिल किया है। इनके द्वारा शुरू की गई इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा संख्या में ITI पास आउट काम करते हैं।